Hello friends, have a very good day. Once again, we are back to work. Last time we had a lecture on probability, basic concepts. Today we shall deal with polynomial. Fine? To start with, what is a polynomial? Very important topic. From standard 7th onwards, aap log ye topic continuously padhte rahoge. And a very useful topic. To understand polynomial, you need to understand what is an algebraic expression. Suna hai? Algebraic expression को हम बहुत सारे पैटर्न्स में लिख सकते हैं, जैसे जैसे कि इसको देखें आप, ऑल दीज आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. एक्स क्या होता है? वेरिएबल. कोई भी अल्फाबेट आप ले लो, फ्रॉम ए टू जेड, ऑल आर वेरिएबल्स इन मैथमेटिक्स. ज्यादातर एक्स, वाई और जेड को हम एज अ वेरिएबल यूज करते हैं. आप लोग अपनी बुक्स में भी देखोगे, ज्यादातर वेरिएबल में एक्स, वाई और जेड यूज होता है, कंपल्सन नहीं है, बट हम लोग इसी की डील करेंगे. चलो फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, जितने भी आप देखते हो सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. पॉलिनोमियल कैसे समझे? सिर्फ पॉलिनोमियल को समझना है पहले, ओके? फिर पॉलिनोमियल के टाइप्स, पार्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. पॉलिनोमियल को समझने के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जो भी पावर है, जो भी वेरिएबल का पावर है, वेरिएबल एक्स, वाई, जेड कोई भी हो सकता है, यहां हमने सारे एक्स के फॉर्म में लिए हैं, तो जो पावर है वो पावर कौन सा नंबर होना चाहिए? It should be a whole number. Power कौन सा number होना चाहिए? Whole number. Fine. One by one हम लोग थोड़ा देखें इसे. X square plus x plus one. Power 2 है. 2 is a whole number. इसके ऊपर power नहीं है. तो क्या होगा? By default, 1 is again whole number. 1 के बाजू में आप कहोगे सर वेरिएबल ही नहीं है. ऐसा नहीं है, वेरिएबल तो है बट विथ पावर 0. एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, आप सब जानते हो. तो ये सारे कैसे नंबर है? होल नंबर. इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया? पॉलिनोमियल. क्या बन गया? पॉलिनोमियल. सेकंड देखे, 3 क्या है? होल नंबर. 2 क्या है? होल नंबर. कुछ नहीं है मतलब पावर 1 है, ओके? और यहां एक्स रेस टू 0, ये भी क्या बन गया? पॉलिनोमियल. चलो इसे चेक करें, यहां एक्स के ऊपर क्या होगा? 1 प्लस 1 अपॉन एक्स को आप कैसे लिखते थे याद करो,
x पावर माइनस वन, कोई भी टर्म नीचे है उसे ऊपर शिफ्ट करते हैं तो पावर बिकम्स माइनस, क्या ये होल नंबर है? नहीं, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसे देखें, एक्स स्क्वायर प्लस टू तो न्यूमरेटर में है सो ऊपर रहेगा, x जो कि डिनोमिनेटर में है x पावर माइनस वन, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। रूट एक्स प्लस वन, रूट एक्स को आप कैसे लिखते थे? स्क्वायर रूट को आप कैसे लिखते थे? x रेस टू वन बाई टू प्लस वन, ये तो होल नंबर नहीं होता, नॉट अ पॉलिनोमियल। सिक्स्थ, टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री एक्स माइनस सेवन, आप कहोगे सर ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है और यहां होल नंबर है, लेकिन सर रूट कहां से आया? देखो वेरिएबल पे रूट आया तो वन बाई टू इज नॉट अ होल नंबर, लेकिन यहां वेरिएबल के ऊपर वन कैसा है? होल नंबर, जीरो होल नंबर। एक्स का पावर चेक करो आप लोग, फाइन, सो दिस इज अगेन अ पॉलिनोमियल। सेवन सम, थ्री होल नंबर, टू होल नंबर, यहां वन, यहां एक्स रेस टू जीरो, ये भी क्या होगा? पॉलिनोमियल। क्लियर एवरीबॉडी? सो पॉलिनोमियल पता करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? पावर। पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर, और होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? जीरो, वन, टू, थ्री, डॉट 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 एन, एन मतलब इनफाइनाइट, कोई भी सबसे बड़ा नंबर आप ले सकते हो। सो कोई भी वेरिएबल होगा इधर एक्स और वाई और जेड, पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। तो वो सारे एक्सप्रेशंस जिनके पावर होल नंबर होंगे उन सब को हम कौन सी कैटेगरी में डाल देंगे? पॉलीनोमियल, फाइन। ओके, अब हम थोड़ा आगे जाए, पॉलीनोमियल्स के अंदर एक बार आपको इतना क्लियर हो गया कि पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। नाउ लेट्स मूव वन स्टेप फॉरवर्ड। पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री, कोएफिशिएंट, को समझना बहुत जरूरी है। डिग्री कोएफिशिएंट एक बार समझ आ गया, फिर हम जाएंगे टर्म्स, और टर्म्स के बाद हम लोग जाएंगे उसके टाइप्स। ओके, टू स्टार्ट विथ डिग्री, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, इसका डिग्री कितना होगा? टू। इसका डिग्री कितना होगा? वन। और इसका डिग्री कितना होगा? जीरो। मतलब जो पावर्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री। और एक एग्जांपल लेंगे, चलो इसमें डिग्री क्या क्या है? इसका डिग्री है फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, यहां जीरो। ओके, कोएफिशिएंट की बात करें, कोएफिशिएंट का मतलब होता है वेरिएबल
वेरिएबल से पहले जो भी नंबर दिखता है आपको उसे हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। जैसे इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 7। वेरिएबल एक्स है, कोएफिशिएंट क्या होगा? -11। ओके, और +8 और 8। यही सम वापस लेते हैं, x2 + 2x + 1। कोएफिशिएंट क्या होगा? आगे कुछ नहीं है तो 1। कोएफिशिएंट क्या होगा? 2 और 1। टर्म्स की बात करें तो टर्म्स के अंदर फॉर एग्जांपल पहला ही सम वापस ले, कितने टर्म्स है? 1, 2 and 3। टर्म्स कौन कौन से है? x2, 2x, 1। चलो इसका डिग्री कितना है? 2। इसका डिग्री 1 और इसका डिग्री 0, क्योंकि बाजू में x पावर 0। कोएफिशिएंट क्या है इसका? 1। कोएफिशिएंट 2, कोएफिशिएंट 1। और एक लेते हैं, 7x² - 11x + 8। टर्म्स कौन कौन से हैं? 7x² - 11x, 8 लिखो या +8 लिखो, it doesn't make difference। चलो डिग्री क्या है? 2, 1, 0। कोएफिशिएंट 7 - 11, 8। आया समझ? एक बार देख लो। सो डिग्री, कोएफिशिएंट, टर्म्स, क्लियर? टाइप्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर हम लोग देखेंगे तो टाइप्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला बेस्ड ऑन डिग्री और दूसरा बेस्ड ऑन टर्म्स। बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन टर्म्स। बेस्ड ऑन डिग्री की बात करें, टर्म्स और डिग्री ओके, डिग्री क्या समझाया था आपको? क्या है डिग्री? 3। 3 से बड़ा है कोई डिग्री? नहीं है। ओके, क्या है डिग्री? 2। 2 से बड़ा है कोई डिग्री? नहीं है। सो रिमेंबर, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक। क्यूबिक तो बहुत सिंपल है, डिग्री क्या होगा? 3। क्वाड्रेटिक इज अ न्यू टर्म फॉर यू। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2, लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1, एक्स, एक्स का डिग्री कितना है? 1। सो लीनियर का डिग्री कितना होगा? 1। क्वाड्रेटिक का डिग्री 2, क्यूबिक का डिग्री 3, बाइक्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक का 2, तो बाई क्वाड्रेटिक का डबल 4. तो ये सारे पॉलिनोमियल्स दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बेस्ड ऑन टर्म्स. टर्म्स के अंदर कितने टर्म्स है? 1. कितने टर्म्स है? 2. कितने टर्म्स है? 3. सो ऑन. सिंगल टर्म होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मोनोमियल. दो होंगे तो क्या कहेंगे? बाइनोमियल. तीन होंगे तो क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल. मोनो मतलब 1, बाइनोमियल बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3. तो चार वाले को क्या कहेंगे? फोर्नोमियल. नहीं, फोर्नोमियल नहीं. तीन से अधिक अगर कितने भी टर्म्स है तो उसके लिए नाम रखा गया है पॉलीनोमियल. क्या नाम है? पॉलीनोमियल. सो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, 1, 2, 3, तीन से अधिक है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलीनोमियल. जस्ट गो थ्रू इट.